खरगोन जिला मुख्यालय पर बीती शाम को दो बच्चे बिना बताए घर से चले जाने की खबर ने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया। बच्चों की तलाश में पूरा शहर सहित आसपास के क्षेत्र में भी लोगों ने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्चों का पता नहीं चला तो सैकड़ों लोगों ने रात को थाने का घेराव कर बच्चे की तलाश करने का आह्वान किया। शहर के खसखसवाड़ी निवासी मुफ्ती इरफान खान के दो बच्चे आफान और जिसान, जो घर से बिना बताए चले गए और खरगोन से खंडवा निकल गए, उसके बाद बच्चे ट्रेन में बैठ गए, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ललित सिंह जाट ने बुरहानपुर नेता और समाजजनों से संपर्क कर पता लगाया और बच्चों को पंजाब ट्रेन से बच्चों को ढूंढ निकाला। पुलिस की इस सफलता पर समाजजनों ने थाना प्रभारी का धन्यवाद किया और रात को दोनों बच्चों को खरगोन लाया गया। मुफ्ती इरफान खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन और खरगोन समाजजनों का धन्यवाद दिया। जब बच्चों से जानना चाहा तो बच्चों ने बताया कि मां की याद आ रही थी, इसलिए महाराष्ट्र के पाचोरा गांव ट्रेन में बैठकर जाना बताया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ बैठे बेटा आप लोग? हमको मेरी मम्मी की याद आ रही थी। तो बता दे तो नहीं गया, बोल के आना था ना आपके पीछे। पूरा शहर परेशान था, परिवार भी था। वहीं से गए थे आप? बस से। अच्छा, फिर वहाँ से? ट्रेन से। ट्रेन से। आपको मालूम था ये सब कहाँ से कहाँ जाना? तो पहले आए होंगे ट्रेन से? नहीं, अकेले नहीं आए। पहली बार ही गए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। बच्चे का, छोटे का? मोहम्मद अफगान। खरगोन थाना कोतवाली क्षेत्र अंदर खसखसवाड़ी जगह है, वहाँ का मामला है। नूर मस्जिद है वहाँ पे, उसके जो मुफ्ती जी हैं उनका बेटा जो करीब 7 साल का है, अफान नाम है उसका, और उसका मामू जो 11 साल का है, मुफ्ती साहब का साला, उसका नाम जशीन है, ये दोनों बच्चे कल घर से बिना बताए गायब हो गए और परिजन काफ़ी तलाश किए। उसके बाद करीब रात को 9:30-10 बजे परिजन थाने पर आए, उन्होंने इस बात की इत्तला दी। मामला गंभीर था, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि कोई किडनैप हो गए, कोई उस गाड़ी में जाते देखे। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और विभिन्न टीमों का गठन किया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि वो कृष्णा बस में वो बच्चे खरगोन से खंडवा जाते हुए देखे गए हैं। बस के कंडक्टर को उनके फोटोग्राफ्स भिजवाए व्हाट्सएप पर, और जब उसने तस्दीक कर दिया कि ये बच्चे उसकी बस में थे, तो खंडवा में ये जानकारी मिली कि स्टेशन की तरफ गए हैं। इस आधार पर बच्चे के बारे में जानकारी लेते पता पड़ा कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 40 गांव जाने की उसने किसी कंडक्टर से पूछा था कि कहाँ से ट्रेन मिलेगा। इस आधार पर पता किया तो एक ही ट्रेन वहाँ के लिए जाती थी, पंजाब मेल को हम लोगों ने ट्रैक किया। पंजाब मेल बुरहानपुर पहुँचने वाली थी, हमने स्थानीय लोगों के बुरहानपुर की मदद से और पुलिस की मदद से ट्रेन में से बच्चों को बरामद कर लिया। अफवाह उड़ रही थी कि अफरान हो गया, किसी बच्चे ने आकर भी यह जो जानकारी दी, पुलिस भी परेशान है, लोग परेशान हो गए। तरह तरह का जब इस तरह की कोई बातें आती हैं तो इस तरह की बातें उठती हैं, अफवाहें उठती हैं। उनको अब चूँकि बच्चे मिल चुके हैं, उन्होंने बताया है कि वो स्वयं की मर्जी से अपने मदर से मिलने के लिए, उसका मन बेचैन हो रहा था तो वो स्वयं की मर्जी से चले गए थे, जो बरामद सकुशल वापस आ चुके हैं। इसमें मीडिया का भी बहुत सहयोग रहा है, आप लोगों ने तुरंत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसकी जानकारी इधर उधर फैलाई, इसके लिए धन्यवाद।